नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और हम लोग आए हैं रानगढ़ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ये जो वीडियो है ये कल का है, 22 अक्टूबर का। तो अष्टमी की पूजा थी हम लोगों की, तो उसी के लिए मैं गांव आई हुई थी। मैं एक दिन पहले ही आ गई थी और हम लोगों की पूजा हो गई थी, तो फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ बहुत तो नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि कम थी। और यहाँ पर है ना, ये मेला सा लगा हुआ है, तो मेला यहाँ पर 12 महीने लगता है, लेकिन जो असलियत में जो मेला लगता है ना अच्छी विस्तृत रूप से, तो वो लगता है चैत मास की जो ना दुर्गा होती है ना उस टाइम पर, मतलब अप्रैल के टाइम पर। लेकिन अभी तो है ना 12 महीने ही लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर समय इतनी भीड़ तो रहती ही है, बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर हम लोग है ना लाइन में लग चुके थे, बहुत लंबी लाइन थी, तो अब दर्शन तो करने ही थे, तो हम लोग लग गए लाइन में और अब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तो ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन है, अब मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर देखिए बहुत हंसी मजाक चल रही है, मस्ती करते हुए हम लोगों का टाइम निकल गया था, नहीं तो एक एक कदम खिसकते हैं ना, तो इतनी लंबी लाइन में बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन है ना पता ही नहीं चला टाइम का। और मेरी देवरानी जी आई थी, जेठानी जी आई थी, और बुआ सास भी आई थी, उनकी बहू आई थी, तो हम लोग ऐसे करके है ना लकी ले आया था साथ में, और बच्चे थे सारे, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए थे और टाइम से हम लोग घर भी लौट गए थे। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हमारी लाइन खिसक रही है। तो देखिए यहाँ पर मंदिर के द्वार पर हम लोग पहुँच गए हैं, और अब मैं यहाँ पर मोबाइल बंद कर दूंगी। और बंदर देखिए इतने ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पर कि चीज़ों को बचाना पड़ता है, और ये त्रिशूल पर बैठा हुआ है तो उसी को हिला रहा था। तो चलिए शांति से कर लेते हैं दर्शन, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। दर्शन हम लोग कर आए हैं, और वहाँ पर है ना सिर्फ आपको एक झलक ही देखने के लिए मिल रही है भीड़ की वजह से। तो दर्शन हो गए थे, और यहाँ से अब हम लोग जब निकल रहे थे ना, तो यहाँ पर महावर लगवाने के लिए रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पर महावर लगता है, और ऐसी जगह पर है ना माता रानी के स्थान पर तो महावर लगवाना बहुत शुभ माना जाता है। तो बस हम सब लोग बैठ गए थे यहाँ पर महावर लगवाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर मिल रही हैं जड़ी बूटियाँ, तो हर बीमारी के लिए जड़ी बूटियाँ थी। और यहाँ पर है ना जो सब लोग आते हैं ना, तो जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है या मुंडन वगैरह होता है, शादियाँ होती हैं, तो सब लोग खूब नाचते गाते हैं, तो यहाँ पर सब हम लोग लौट रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, और यहाँ पर शाम के टाइम पे आरती बहुत अच्छी होती है, पर अब इतना टाइम नहीं था कि रुक पाते, तो हम लोग चल रहे हैं वापस।
और यहाँ से शुरू हो जाता है मेला। तो ये देखिए यहाँ पर सिंदूर है और ये खिलौने वगैरह की दुकान लगी हुई है, तो मतलब साज श्रृंगार का सामान से लेके हर सामान यहाँ पे मिल जाता है और खाने पीने की तो बहुत वैरायटी आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों ने यहाँ पर कुछ खाया पिया भी था तो उनको खिलाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। बुधान को ये छोटा सा ट्रैक्टर पसंद आ गया था तो उसने ये ले लिया, फिर ये उससे है ना चल नहीं रहा था तो फिर बदल के उसने दूसरा भी ले लिया था, तो उसका तो यही काम लगा था। तो बस यही है आज का वीडियो, वीडियो को एंड कर रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।